महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी समुदाय को न्याय देने के लिए महाराष्ट्र राज्य में जातिवार जनगणना करनी चाहिए। ओबीसी समुदाय मराठा समाज को दिए गए आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन ओबीसी समुदाय को दिए जाने वाले 19% आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। यह ओबीसी समुदाय की मांग है। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, नंदुरबार, धुए, ठाणे, नाशिक, पालघर, इस जिले में ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण 19% जारी किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की 2 जुलाई 1997 और 31 जनवरी 2019 के दिशा निर्देशों के अनुसार 100% बिंदु सूची को तुरंत सुधारित किया जाना चाहिए। फैकल्टी कैडर रिजर्वेशन एक्ट 2019 को महाराष्ट्र राज्य में तुरंत लागू किया जाना चाहिए। ओबीसी समुदाय के छात्रों के लिए अलग छात्रावास शुरू किया जाना चाहिए। महाज्योति के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना चाहिए और इसे जल्द शुरू किया जाना चाहिए। ओबीसी आर्थिक विकास निगम को 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना चाहिए और निगम की सभी स्वीकृत योजनाओं को तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। ओबीसी समुदाय में रिक्तियां तुरंत भरी जानी चाहिए। ओबीसी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। ओबीसी समुदाय के लिए घर कुल योजना शुरू की जानी चाहिए आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर नागपुर जिला अध्यक्ष संजय मांगे, नागपुर जिला कार्याध्यक्ष नरेंद्र कुकड़े, सामाजिक कार्यकर्ता विशाल बांद्रे, जिला परिषद सभापति उज्ज्वला बुढ़ारे, जिला परिषद सदस्य सुचिता ठाकरे, पंचायत समिति सदस्य सुरेश कायबांडे, माजी सत्तापक्ष नेता बाबा आष्टनकर, सामाजिक कार्यकर्ता दीपक नासरे, सुभाष वरहाड़े, देवेंद्र आष्टनकर, कंठीराम चतुर, गणेश धानुरकर, रमेश ठाकरे, रज्जाक महाजन, राजेश मोहोड़, मनीषा कोरमकर, सुनील झाड़े, लक्ष्मीकांत तुड़ाम, मधुकर घवघवे, दिनेश वर्टी, एसडी देशमुख, फलके, मुरलीधर पीसे, महेंद्र कांडे, ललित चौधरी, मारुति काटवे, मनोज मानकर, ज्ञानेश्वर आफुरकर, एस के गवाड़े, प्रेम सावरकर, संजय नाइटकर इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। हिंगना से आशीष गोंडाने की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।